भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल प्रदेश के चुनावी प्रभारी तीरथ सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि अभी किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया जाएगा। ये अधिकार भाजपा संसदीय बोर्ड का है और स्वाभाविक है कि चुनावों का ऐलान होने के बाद ही ये घोषणा की जाएगी। मंडी में पत्रकार वार्ता करते हुए तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मतदाता सूची के हर पन्ने का एक प्रमुख बनाकर उसे हर मतदाता के साथ लगातार संपर्क बनाने का काम दिया गया है। ऐसा देश तो क्या विश्व में कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे देश के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। इसके तहत 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हर कार्यकर्ता ने अपने समर्थता के अनुसार पार्टी को अंशदान किया। वहीं 12 फरवरी से 25 फरवरी तक मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत घरों में झंडे लगाए गए और अब 26 फरवरी को उस व्यक्ति जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र के द्वारा पिछले 4.5 साल में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उसके घर दीप जलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगे 2 मार्च को पूरे देश में एक ही समय में बाइक रैलियां निकाली जाएंगी। लाखों कार्यकर्ता बाइक रैली में जुड़कर एक इतिहास व नया रिकॉर्ड बनाएंगे। तो हमने कार्यक्रम भी किए हैं। 11 तारीख को समर्पण दिवस था, जिसमें कि कार्यकर्ताओं ने अपने स्वयं प्रेरणा से नमो ऐप के द्वारा अपना जो कुछ भी हो सकता है उसने वो समर्पित किया। 12 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक मेरा परिवार भाजपा परिवार, यानी 12 तारीख को सभी जितने भी जनप्रतिनिधि पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने अपने घरों में अगल बगल भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी गाड़ियों पर खींची गए, यह अभियान चला है जो 25 तारीख तक चलेगा निरंतर बना रहे। रावत ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार ने 1.25 साल के कार्यकाल में ये साबित कर दिया है कि पिछली सरकारों के भ्रष्टाचारी आचरण को किसी भी तरह से खत्म किया गया है। एक पारदर्शी प्रशासन प्रदेश में लोगों को दिया गया है। जयराम ठाकुर सरकार का जनमंच कार्यक्रम पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है, जिसमें लाखों लोगों के मसले मौके पर ही हल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी पूरे देश के लोगों से सुझाव ले रही है, हर विधानसभा क्षेत्र में एक सुझाव पेटी भेजी जा रही है। 3 मार्च तक कोई भी अपने सुझाव इसमें दे सकता है। इन्हीं सुझावों को बाद में घोषणा पत्र व विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाएगा। जिस प्रकार पिछले सरकारों की भ्रष्टतम नीति थी, जिस तरह के पूरे देश को भ्रष्टाचार में डूबे दिया था, प्रदेश के अंदर पूरी तरह पिछली कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोने का काम किया। उनका नेतृत्व ही पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, वो भी आज भी जिन पे मुकदमे हैं और सब आगे चल रहे हैं, उससे मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मोदी जी ने किया। 4.5 वर्ष के अंदर कोई उम्मीद नहीं उठा सकता, कोई दाग नहीं किसी प्रकार का, कोई आरोप नहीं किसी जनप्रतिनिधि पे मंत्री पे, तो वही प्रदेश की 7 साल की जो सरकार है उसमें भी कोई उम्मीद कर उठा। एक पारदर्शिता दी है, पारदर्शिता देने का काम हमारी सरकार ने किया, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का काम देश को प्रदेश को हमारी सरकार कर रही है। और मैं कह सकता हूँ उसमें पूरी तरह आगे बढ़ रही है। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस प्रकार प्रदेश की सरकार चल रही है, चौमुखी विकास कर रही है, स्वयं मुख्यमंत्री जनता के दरबार, सरकार जनता का दरबार, ऐसा चौपाल लगा करके, जनमंच लगा करके हर मंडल पे लोगों के पास जा रहे, विधानसभा में जा रहे, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके बाद फिर उनका निराकरण करने का काम कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक काम है और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसकी चर्चा हमारी दिल्ली तक भी रहती है। हिमाचल प्रदेश एक अपने आप में अच्छा काम,
अच्छी सरकार। और यही नहीं, संगठनात्मक दृष्टि से भी अव्वल है। पन्ना प्रमुख 38,000 के 32,000 के 40,000 के इस प्रकार का तीन हो गए। अब चौथा कांगड़ा में 24 तारीख को होने वाला गणतरी जिसमें आने वाले हैं, यानी इतना सफलतम ये हमारी संगठनात्मक और संगठन का काम होता है। तो सरकार बोलती है, संगठन बोलता है, दोनों मिलकर के अपने आपस में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक भावना से काम चल रहा है। तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस में झुका हुआ है,